शिक्षक द्वारा धोखाधड़ी के अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी व प्रतिरूपण कर जमीन बैनामा कर 17,29,000 रुपए हड़प लेने के आरोप में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान विवेकानंद गौतम, आशुतोष सिंह उर्फ पिंटू व वसीम अहमद उर्फ विक्की के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गोरखपुर पुलिस द्वारा लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वाले ऐसे गैंग्स को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा आम पब्लिक को जमीन की खरीद और बिक्री में उनको उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनके पैसे ऐंठ लिए जा रहे हैं। लगातार ऐसे जांच के बाद मुकदमे लिखे जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें जेल गए हैं। इसी संबंध में थाना रामगढ़ ताल में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 144/2023, जिसमें कि एक अद्यावती नाम की महिला ने एक जमीन को बैनामा करवाया था, जिसके लिए उसके द्वारा 17 लाख रुपये पे किए गए थे 2021 में। जब 2023 में ये महिला अपने परिवार के साथ वहाँ का कब्जा लेने गई तो उसको जानकारी हुई कि ये जो ज़मीन उसको बेची गई है वो ओरिजिनल ओनर द्वारा नहीं बेची गई है। उस ज़मीन का ओरिजिनल ओनर इंद्रावती नाम की एक महिला थी। जब उससे जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि उसके द्वारा ये ज़मीन बैनामा नहीं किया गया है। इस संबंध में अद्यावती जो कि ज़मीन की खरीदार है, उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। जाँच में ये बात निकल करके आई कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने गैंग बना करके इस प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है और एक महिला को फर्जी इंद्रावती बना करके उससे बैनामा अद्यावती को करवाया है और पैसे अकाउंट में लेकर के ये फरार हो गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस मुकदमे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई और गैंग बना करके ये कार्रवाई की गई, जिनके की नाम विवेकानंद, वसीम अहमद व आशुतोष सिंह हैं। इन 3 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस महिला को इंद्रावती बना करके ये पूरा कार्य किया गया था, उसकी तलाश जारी है, जल्द ही पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेगी। आगे चल के इनके खिलाफ इस तरह के मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को और गस्टेड ऑफिसर्स को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मामले इस तरह के संज्ञान में आते हैं, उनको प्रायोरिटी पे लेकर के ऐसे गैंग्स पे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मुकदमा लिखने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ जो भी अपराध के द्वारा उनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है, उसको भी 14(1) में जब्त किया जाए, ताकि इस तरह के जो गतिविधियाँ हैं उन पर विराम लगाया जा सके और जो जेन्युइन बायर्स हैं वो मार्केट में अपना जेन्युइन जो जमीन की खरीद करते हैं वो आसानी से कर सके किसी प्रकार।